नहीं, सरकार तो हम बनाने ही वाले थे, दो तिहाई बहुमत से बनाने वाले थे, हमें मालूम था, क्योंकि मोदी जी ने यहाँ पर जनता से जो विश्वास दिलाया था वो पूरा किया है। बहुत कम समय में पुष्कर धामी जी ने भी अपनी एक छवि बनाई यहाँ पर। तो कुल मिलाकर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है ये उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा है, और मुझे लगता है कि इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी दो तिहाई बहुमत से सरकार बना रही है। पुष्कर सिंह धामी महीने का टाइम उनके पास था, उसके बाद सर उत्तराखंड में जिस तरीके से बीजेपी का रिजल्ट अभी 44 के पार है सर, तो उस पर आप किस तरीके से इसको देखते हैं सर, किस तरीके की मेहनत की? मैंने कहा ना कि डबल इंजन, मोदी जी की मेहनत, मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, मोदी जी के द्वारा विशेषकर उत्तराखंड के प्रति अपना विशेष प्रेम, वो डेवलपमेंट के माध्यम से दिखाई देता है। और पुष्कर जी ने 6 महीने के अंदर जितना सहज सरल होकर जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया है, उससे उनकी सहजता भी इस जीत में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नहीं तो एक्सपेक्टेड था, बहुत बहुनिरीक्षित था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से हमने काम की है। हमारा काम ही बात कर रहे थे, आवर वर्क्स वर स्पीकिंग हियर। तो इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में और अंत में जो धामी जी का बहुत अच्छे प्रयास हुआ, और पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के सभी पूरा प्रदेश के हमारे नेतृत्व जो एकजुट होके लग गए हैं, और जो कुछ भी हम जन कल्याणकारी कार्यक्रम दिए थे उसका भी असर हुआ है मोदी जी के और नेतृत्व में, और इधर प्रदेश की सरकार भी। तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है, मैं जनता को और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ।